व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रिलेबल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट व्यू टैब देखेंगे। व्यू टैब में लेफ्ट साइड में वर्कबुक व्यूज बोल के हैं। इसमें आपको नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू, कस्टम व्यू और फुल स्क्रीन, इतने ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ये ऑप्शन के जरिए आप आपके वर्कबुक का व्यू को जैसा चाहे वैसा कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ नॉर्मल नज़र आ रहा है, नॉर्मल आपका हमेशा जो वर्क होता है वो नॉर्मल व्यू पे ही होता है। आप चाहते हैं कि आपके टॉप अप पेज कितना मार्जिन है, बॉटम अप पेज कितना मार्जिन है, हेडर एंड फुटर क्या है, नेक्स्ट राइट एंड बॉट लेफ्ट एंड राइट क्या है, इसके अलावा आपका पेज कहाँ से कहाँ तक है, ये सब देखने के लिए आप पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं तो आपको पेज लेआउट में सेम इस तरह व्यू नज़र आता है। टॉप अप पेज, देन आप अगर नीचे आए तो ये बॉटम अप पेज, साइड ऑफ पेज एंड लेफ्ट साइड ऑफ पेज, ये पूरा आपको यहाँ नज़र आ रहा है। आपका पेज कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ एंड हो रहा है आप देख सकते हैं। तो ये आप पेज लेआउट व्यू का यूज़ सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट को देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है, व्यू द डॉक्यूमेंट एज इट विल अपियर ऑन द प्रिंटेड पेज, मीन्स आप अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आपको यह प्रिंट प्रीव्यू टैब यहाँ से भी नज़र आता है, लेकिन एक्चुअल जो देखते हैं हम फाइल पे क्लिक करके प्रिंट में जाकर प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करें तो हमको करंट पेज पे हमारा कंटेंट क्या है, डेटा क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी प्रिंट कैसी मिलेंगी हमको यहाँ पे दिखाता है। इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल F2 भी है, अगर आप कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं तो भी इस तरह दिखाता है। तो ये था पेज लेआउट व्यू और नॉर्मल व्यू जो कि आपका एक्चुअल पेज होता है सेम ऐसा नज़र आता है। तीसरा है, अगर आप एक न्यू शीट पे, बताता हूँ मैं, आपका कर्सर B3 पे है और आप यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं। अब मैं कंट्रोल F2 करता हूँ प्रिंट का शॉर्टकट, तो आप देख सकते हैं आपको 4 यहाँ पे नज़र आ रहा है। मीन्स आपको कंप्लीट पेज में आप जहाँ पे जिस सेल में 4 टाइप किए थे वहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप इसके जगह पे B3 में कुछ सेम, मैं 4 टाइप करता हूँ, B3 में 4 टाइप किया और मैं कर्सर को यहाँ रखा और मैं अगर बोलूँ पेज ब्रेक प्रीव्यू, ओके, तो पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या करेगा, हमारे पेज को ब्रेक कर देगा। व्यू अ प्रीव्यू ऑफ वेयर पेज विल ब्रेक विद व्हेन दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड, तो जहाँ से पेज ब्रेक प्रीव्यू का हम कमांड देंगे वहीं से वो प्रिंट करेगा। फिर से हम आना है तो नॉर्मल व्यू पे क्लिक करेंगे। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज़ हमारे पास ज़्यादा नहीं होता है, अगर हमको पेज ब्रेक ही करना है तो इसके से बेटर ऑप्शन हमारे पास, मैं आपको बताया हूँ, पेज लेआउट में। अगर आप चाहते हैं सिर्फ इतना प्रिंट करना है तो प्रिंट में जाकर सेट प्रिंट एरिया बोले तो आपको सिर्फ उतना ही प्रिंट होता है, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे ज़्यादा हमारे पास कंटेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं, इसलिए प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा है, वरना आप जितना एरिया सेट करेंगे उतना ही प्रिय होता है। मैं इसको सेट क्लियर प्रिंट एरिया बोल देता हूँ। फिर से हम व्यू टैब में आते हैं, तो आप नॉर्मल व्यू से पेज को नॉर्मल कर सकते हैं, पेज लेआउट से पेज को प्रिंट लेआउट पर लेके जा सकते हैं और पेज ब्रेक व्यू से उसको पेज को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कस्टम व्यू है। आप देखिए इसके जरिए से क्या कर सकते हैं, यहाँ ये नंबर है, मैं इसको कस्टम व्यू पे क्लिक करता हूँ और ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद में मैं ये बोल रहा हूँ कि HDFC का नंबर है, ओके बोलता हूँ, एक ये ऐड कर दिया हूँ मैं। नेक्स्ट चेंजेस में आ रहा हूँ, यहाँ मैं इस 2 को क्लिक करता हूँ और कस्टम व्यू पे क्लिक करता हूँ, ऐड बोलता हूँ और यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशन करता हूँ, अल्ट इक्वल टू प्रेस करके इसका सम कर देता हूँ, शॉर्टकट की अल्ट इक्वल टू सम करने के लिए, इस पर क्लिक कर लेके मैं कस्टम व्यू फिर से ऐड, यहाँ सम नेम देता हूँ इसको या टोटल भी दे सकता हूँ,
नेक्स्ट में शीट पे एस यू एन सन टाइप करा, देन इसको ड्रैग करता हूँ तो इस तरह डेज आ गए। मैं सिर्फ इसमें से वेडनेसडे देखना चाहता हूँ, कस्टम व्यू ऐड, यहाँ पे डे टाइप कर देता हूँ। ओके अब देखिए मैं इस शीट पे हूँ, तो इस शीट पे रहते हुए मुझे क्या देखना है वो मुझे पता रहना चाहिए। कस्टम व्यू पे क्लिक करूँगा, मुझे एचडीएफसी का नंबर देखना है, सिलेक्ट करके मैं शो बोलूँगा तो मुझे एचडीएफसी का नंबर दिखेगा। कस्टम व्यू मुझे टू देखना है या मुझे सम देखना है, शो बोलूँगा तो मुझे सम दिखाई देगा। तो इस तरह आप कस्टम व्यू का यूज़ कर सकते हैं। कस्टम व्यू का यूज़ आपको क्या देखना है वहाँ पे उस पर क्लिक करके आपको उसको कस्टम व्यू में जाकर ऐड करना होता है, तो आप एनी टाइम इसको देख सकते हैं। इस तरह का यूज़ कब होगा, जैसे सपोज आप एक कंपनी का वर्क कर रहे हैं और उसमें फर्स्ट पेज पे कंपनी की एम्प्लॉयज़ की डिटेल है, सेकंड पेज पे कंपनी का डेटेंट कंप्लीट सेल डिटेल है, देन थर्ड पेज पे कंपनी का बैंक डिटेल्स है और फोर्थ पेज पे इस तरह अलग अलग पेजेस पे अलग अलग डिटेल्स है। तो आप उसमें से मेन मेन या आपको सिर्फ कैलकुलेशन चाहिए या पर्टिकुलर डिटेल चाहिए तो इस तरह आप कस्टम के जरिए ऐड कर सकते हैं। और फुल स्क्रीन पे क्लिक कर दूंगा तो आपका जो विंडो है, सॉरी जो वर्कबुक है, फुल स्क्रीन पे आ जाएगा इस तरह से। स्केप की प्रेस करेंगे तो आप फिर से वापस आ जाएंगे। तो यह था आपका वर्कबुक व्यू। नेक्स्ट आपको यहाँ पर शो हाइट बोल के नज़र आ रहा है, इसमें ग्रिड लाइन है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रो और कॉलम से मिलकर एक सेल क्रिएट हो रहा है जिसको हम बॉक्स बोल सकते हैं। अगर हम इसको प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे कंट्रोल F2 के जरिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्टी एरिया है, यहाँ पे कोई आपको बॉक्स नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आपका जो रो एंड कॉलम है, जो आपको सेल नज़र आ रहा है, ये आपका एक ग्रिड लाइन्स है। ग्रिड लाइन्स ऐसी लाइन्स होती है जो प्रिंट में नहीं आती है। अगर आप यहाँ से ग्रिड लाइन हटा दिए तो आपको यहाँ पे भी ग्रिड लाइन दिखाई नहीं देगा। कभी कभी हो सकता है आप बेसिक यूज़र हो और आपको इस तरह से एक्सेल दिखा जाए आप परेशान हो जाएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, व्यू में जाकर ग्रिड लाइन्स पर क्लिक करने का। नेक्स्ट इसमें रूलर है, ये कंडीशन के हिसाब से एक्टिवेट होता है और मैसेज बार भी, कभी आई थिंक इस वर्जन में तो नहीं होता, नेक्स्ट वर्जन में रूलर और मैसेज बार दिखाता है। देन फार्मूला बार, फार्मूला बार आप जो भी यहाँ पे वर्क, जैसे कि मैं 91 पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे जो फार्मूला है उसकी आपको फार्मूला बार पे नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि फार्मूला आपको नज़र नहीं आना, यहाँ पे इस वर्कबुक पे आप इसको हटा देंगे तो आपको फार्मूला बार दिखाई नहीं देगा। और हेडिंग्स, जो आपको रो कॉलम दिख रहा है ये हेडिंग्स है, तो हो सकता है आपको कभी आपका एक्सेल पेज ओपन करते इस तरह दिखाई दे, तो आपको फिगर करने की ज़रूरत नहीं, व्यू में आकर ग्रिड लाइन पे ऐड करें तो ग्रिड लाइन आ जाएगा, हेडिंग आ जाएगा और यहाँ से फार्मूला बार भी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जूम, मीन्स आपका जो एक्चुअल पेज है 100% जूम आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से इसको कम कर सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 100% है, ये जूम है, आपको कितने परसेंट करना है, एक्चुअल 100% ही करना है मुझे, तो आप देख सकते हैं जूम पे मैं 25 जब परसेंट करा था तो आपको मल्टीपल यहाँ पे वर्कबुक के अंदर पेजेस नज़र आ रहा है। ये इतना रिया मीन्स आपका पेज का रिया है, ये आपका इतना पेज है, मल्टीपल पेजेस है, मल्टीपल शीट्स है, आप 100% बोलोगे। आपने अगर इतना ही सिलेक्ट करे और आपको इतना ही किसी को दिखाना है तो जूम टू सिलेक्शन बोले तो आपको स्क्रीन पे उतना ही मेन बड़ा होकर नज़र आएगा। 100% कर देते हैं इसको। देन यहाँ पे जो आप इसके बाजू में जो नज़र आ रहा है, जो अभी आप देखें वर्कबुक व्यू, नॉर्मल पेज लेआउट और पेज ब्रेक व्यू, वही ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है न्यू विंडो, सेम ऑलरेडी अगर आप देखें इसी की आपको एक विंडो चाहिए तो आपको इस विंडो को और न्यू विंडो बनाना पड़ेगा। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ओके रिव्यू टैब, स्विच टैब पे क्लिक कीजिए आप, आपको सेल्फ इंट्रो, ओके रिव्यू और वेब डिज़ाइन फाइनल नोट्स बोल के यहाँ पे तीन शीट नज़र आ रही है आपको, लेकिन ओके रिव्यू नाम की एक ही शीट है। जैसे आप न्यू टैब न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू विंडो और हो गई, और एक बार क्लिक करो और हो गई। अब आपको देखना है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, स्विच विंडो पे आप देख सकते हैं 1 2 3 आ गई, इसकी तीन कॉपी आ गई और ऑलरेडी एक पहले से चार कॉपी आ गई। अब आपको देखना है तो अरेंज ऑल बोलिए, कैसा देखना है आपको, हॉरिजेंटली देखना है, वर्टिकली देखना है, ओके तो इस तरह से आपको नजर आएगा, जो भी देखना है उस पर क्लिक कीजिए, तरह से नजर आएगा। फ्री स्पेस, फ्री स्पेस क्या होता है देखिए, ये आपकी शीट है, आपको इसको हेडिंग को देखते हुए काम करना है। जैसे आप मैं प्रैक्टिकल बताऊं, जैसे कि
यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ प्राइस है, यहाँ टोटल है, यहाँ मंथ आगे पीछे लिखे हैं, यहाँ मार्च है, यहाँ अप्रैल है, यहाँ अगस्त है, और एक और कॉलम लेता हूँ राइट क्लिक करके मैं, यहाँ यहाँ जुलाई है। जब मैं यहाँ एंट्री करूँगा तो मुझे पता रहना चाहिए कि अगस्त में ही मैं अगस्त की एंट्री करूँ, जुलाई में ही जुलाई की एंट्री करूँ, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करूँ। जैसे चलो मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, अब देख सकते हैं मुझे जो हेडिंग है वो दिखाई नहीं दे रही है। अब मुझे इसका टोटल निकालना है, तो मुझे कैसे मालूम कि इसमें से कौन सा मंथ कौन सा है, किस मंथ का क्या करना है? मुझे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। हम चाहते हैं कि हमको ये जो अगस्त है ये भी दिखते रहे, जो हेडिंग है वो भी दिखते रहे, और हम नीचे भी वर्क कर सके। तो उसके लिए हम फ्रीज का यूज़ करते हैं, मीन्स यहाँ जहाँ से इसको फ्रीज करना है वहाँ पर क्लिक कर देने का, और फ्रीज पेन पर क्लिक करके फ्रीज पेन पर क्लिक कर देने का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फ्रीज हो चुका है, और आप नीचे वर्क करोगे वो वहाँ से रिमूव नहीं होगा, वो वहाँ पे कायम रहेगा। नेक्स्ट अनफ्रीज बोले तो जैसा था वैसा हो जाएगा। इसमें दो ऑप्शन आ रहा है, फ्रीज टॉप यानी सिर्फ फर्स्ट रो फ्रीज होंगी, फ्रीज फर्स्ट कॉलम यानी जो फर्स्ट रो कॉलम है लेफ्ट का ए वाला वो कॉलम फ्रीज होगा। नेक्स्ट है स्प्लिट, आप चाहते हैं कि आपको इतने हिस्से में वर्क हो, यहाँ से ऊपर जब आप वर्क कर रहे हैं तो ऊपर का हिस्सा इतना हिस्सा आपको दिखाई दे, लेकिन आप उसको फ्रीज नहीं करना है, कुछ और ऑप्शन यूज़ करना है, तो आप स्प्लिट कर सकते हैं इसको। अगर आप स्प्लिट करें तो आपको ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये रे दिखाई देंगे, और आप इधर नीचे वर्क कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन एक ख़ास बात है, आप यहाँ पे जो भी वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे भी ऐड हो रहा है ऑटोमेटिक, और डुप्लीकेट कॉपी नहीं बन रही है। जब आप इसको स्प्लिट हटा देंगे देख सकते हैं आप यहाँ पे भी कॉपी हो चुका है। अगर आप इसको स्प्लिट को हटा देंगे तो आपका डेटा जैसा था वैसा आपको मिल जाएगा। स्प्लिट आपको ये हेल्प करता है कि आप जहाँ से आपको जो ऊपर का डेटा है वो देखने के लिए हेल्प करता है स्प्लिट। आप हाइट से आपकी ये शीट को हाइट कर सकते हैं, अनहाइट से फिर से इसको अनहाइट शो कर सकते हैं। ओके, तो यह था अरेंज ऑल फ्री स्पेस और स्प्लिट। नेक्स्ट, आपके पास मल्टीपल शीट है, इसको आपको साइड बाय साइड देखना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सी शीट साइड बाय साइड देखना है, उस पर क्लिक करके आप ओके बोलेंगे तो इस तरह आपको साइड बाय साइड दोनों शीट नज़र आ रही। अब भी देख सकते हैं आप नीचे की शीट को मूव कर रहे हैं, ऊपर क्लिक करें तो ऊपर की शीट को मूव कर रहे हैं। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं आप जो वर्क कर रहे हैं सिर्फ नीचे की शीट पे कर रहे हैं, लेकिन एक्शन ऊपर की शीट में भी हो रहा है। देखिए आप लेफ्ट साइड में वर्क नीचे शीट पे हो रहा है लेकिन एक्शन ऊपर भी हो रहा है। अगर आप इसको हटा देंगे स्क्रॉलिंग ऑप्शन को तो आप ऊपर एक्शन नहीं होगा, देख सकते इस तरह से। तो ये जस्ट आप नीचे वर्क कर रहे हो, ऊपर की शीट ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से मूव हो, उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको विंडो को इस तरह डिस्टर्ब किए तो रिसेट विंडो को इन्हें बराबर ही रिसेट कर देता है। जैसे मैं इसको ड्रैग करके यहाँ रख देता हूँ, इस तरह कर देता हूँ, इस विंडो को ऐसे ले लेता हूँ, तो इन्हें इस ऑप्शन से इसको हम रिसाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास वर्क स्पेस। इससे पहले आपको बताऊं कि स्विच विंडो, इसमें से आपको जो चाहे वो विंडो ले सकते हैं आप, और सेव वर्क स्पेस क्या काम करता है इसके बाद। उससे पहले मैं आपको माइक्रो बताता हूं। माइक्रो क्या है, मैं अगर यहां पे कुछ टाइप करता हूं, और इसका सम करता हूं, तो मुझे ऑप्शन यूज करना पड़ा या फिर इक्वल टू सम यूज करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि जस्ट मैं मेरे तरफ से एक शॉर्टकट की सेट कर दूं, और मैं जहां पे भी क्लिक करूं जस्ट उसका शॉर्टकट की यूज करके ऑटोमेटिक सम निकाल लो। तो ये हम माइक्रो के जरिए कर सकते हैं। माइक्रो होता क्या है, माइक्रो एक रिकॉर्डिंग है। माइक्रो के जरिए हम फॉर्मूला रिकॉर्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, देन
कोई टेबल बना रहे हो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई कलर फॉर्मेट चेंज कर रहे हो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम जो चाहे वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। माइक्रो पे क्लिक करता हूँ मैं और रिकॉर्ड माइक्रो बोलता हूँ। रिकॉर्ड माइक्रो बोलने के बाद मैं आप माइक्रो को नाम देंगे यहाँ पे, आप जैसा सम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे सम, देन यहाँ क्लिक कीजिए शिफ्ट प्रेस करके, सॉरी शिफ्ट के साथ नहीं डायरेक्ट, आप यहाँ पे एच चाहिए मुझे, एच प्रेस कर देता हूँ, एच आ जाता है, शिफ्ट के साथ एच प्रेस कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एच आ जाएगा, क्योंकि कंट्रोल एच जो है रिप्लेस शॉर्टकट की होता है, तो आप कभी भी इसको यूज़ करेंगे तो शिफ्ट के साथ आपको जैसे पी चाहिए तो पी प्रेस कीजिए, तो कंट्रोल शिफ्ट पी जो है आपकी एक सम कैलकुलेशन करने की शॉर्टकट की हो जाएगी। और आपको ये शॉर्टकट ये जो कैलकुलेशन करना है, आपको जो माइक्रो रिकॉर्ड करना है इसी वर्कबुक में करना है या न्यू में करना है या पर्सनल में करना है, तो आपको इसी में करना है। आप डिस्क्रिप्शन चाहे तो कुछ लिख सकते हैं वहाँ पे, कैलकुलेशन या जो भी कुछ लिखना है आपको, और ओके। तो अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, आप यहाँ पर इक्वल टू सम बोलकर ब्रैकेट ओपन और इसको ड्रैग करके इसका कैलकुलेशन कर दिए यहाँ पे और इंटर। आपको इतना ही रिकॉर्ड करना था, यहाँ जाकर आप फिर से स्टॉप रिकॉर्डिंग बोलते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। आपका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट पी, आप यहाँ पे कर्सर ले आइए और जस्ट कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस कीजिए, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। आपको यहाँ चाहिए कैलकुलेशन, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस कीजिए, इस तरह कैलकुलेशन हो जा रहा है। तो इस तरह आप माइक्रो से कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। माइक्रो पे एक बहुत बड़ी क्लास है, स्पेशली हम इस पर क्लास बनाएंगे, आप उसको देखिए, और उस पर एक प्रोजेक्ट, 2 से 3 प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा मैं, वो भी देखिए आप। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट अपलोड करने वाला हूँ मैं ऑटोमेटिक आपको उसके नोटिफिकेशन के साथ मिल जाए। एक इसमें ऑप्शन बाकी हमारा वो है सेव वर्क स्पेस। सेव वर्क स्पेस क्या होता है, आप देख सकते हैं जैसे मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पेज है, 6 शीट है, और 6 शीट के बेस पर ही मैं यहाँ पे पूरा एक शीट पे वर्क कर रहा हूँ। तो अगर मुझे अब मेरा जॉब टाइमिंग फिनिश हो चुका है और मुझे अभी सिस्टम को टर्न ऑफ करके घर जाना है, फिर से कल आके मैं इस पर मुझे काम स्टार्ट करना है, तो ये प्रॉब्लम होगा मेरे लिए कि मुझे याद रहना चाहिए, मुझे लिखना पड़ेगा कि मैं कौन सी शीट ओपन करके क्या क्या वर्क कर रहा था, मैं कहाँ से वर्क कर रहा था, मुश्किल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐसी शीट ऐसी कैसी स्टोर रहे, बाद में मैं जब फाइल ओपन करूँ पूरी शीट एक साथ ओपन हो, क्योंकि आप देखिए जब आप शीट को सेव करते हैं तो आपको अलग अलग शीट को सेव करना पड़ता है और एक साथ शीट ओपन नहीं कर सकते आप, एक एक शीट करके ओपन होती है। लेकिन आप सेव वर्क स्पेस ऑप्शन के जरिए मल्टीपल शीट को एक साथ सेव करके एक साथ ओपन कर सकते हैं। देखिए कैसा, मैं इसको एक सेव वर्क स्पेस बोलता हूँ। सेव वर्क स्पेस में आपको यहाँ पे रिज्यूम बोल के देंगे, आप नाम चेंज कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे वर्क स्पेस ऐसे रहने देना सेव एज टाइप, और आपको यहाँ पे डेस्कटॉप या जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेव बोल देना है, यस टॉल, यानी इसने जो फाइल है सेव इसमें नहीं है बोलता है कि सेव करना है, यस बोलिए और क्लोज बोल दीजिए, पूरे फाइल क्लोज कर देते हैं अभी हम। तो आप देख सकते हैं हमारे पास डी नाम से एक बन गया, अभी मेरे पास यहाँ एक भी एक्सेल की फाइल ओपन नहीं है। मैं जैसे इसको ओपन करूँगा तो जितने फाइल अवेलेबल थे मेरे पास सेव किया था मैं, पूरे ऐसा फाइल एक साथ ओपन होंगे, देख सकते हैं पूरे फाइल एक साथ यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। ओके, तो यह था सेव वर्क स्पेस, और इस तरह हमारा व्यू टैब कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियोज़ रहेंगे वो फार्मूला पे रहेंगे, और मैं 1 बाय 1 पूरे आपको मोर देन 300 फार्मूलाज बताऊंगा। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।